राजस्थान की राजनीति में रोज कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। बात अगर राजस्थान कांग्रेस की करें तो दो गुटों का झगड़ा अब चरम पर पहुंच गया है। दोनों गुट आपस में एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो पूर्व सांसद नमो नारायण मीणा का बताया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि नमो नारायण मीणा को गाड़ी में जगह न मिलने पर पूर्व सांसद नमो नारायण मीणा को छोड़कर काफिला आगे निकल जाता है। जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स बोल रहे हैं कि अब तो पूर्व सांसद नमो नारायण मीणा के लिए गाड़ी में भी जगह नहीं बची। तो चलिए आपको बताते हैं कि नमो नारायण मीणा है कौन। राजस्थान की राजनीति में मीणा समाज का नेतृत्व करने वाले पूर्व सांसद नमो नारायण मीणा किरोड़ी लाल मीणा को हरा कर लोकसभा में पहुंचे थे, जब उन्हें पर्यावरण और वन मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया था। उस दौरान नमो नारायण मीणा गाड़ियों के काफिले में चलते थे। राजनीति में कहा जाता है कि जिसके पास पद है वही सर्वे सर्वा है। अब सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कई यूजर्स कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो में मुख्यमंत्री का काफिला एक जगह रुकता है, नमो नारायण मीणा गाड़ी में बैठने के लिए गाड़ी के पास पहुंचते हैं, उस गाड़ी में उन्हें जगह नहीं मिलती, जिसके बाद नमो नारायण मीणा को वहीं पर छोड़कर काफिला आगे निकल जाता है। इस तरह के वीडियो को लेकर कई यूजर्स अलग अलग कमेंट कर रहे हैं और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले में पूर्व सांसद नमो नारायण मीणा ने एक न्यूज चैनल को बताया कि पार्किंग नहीं होने के कारण मेरी गाड़ी दूर खड़ी थी, तो मैंने सोचा कि काफिले के पीछे चल रही गाड़ियों में ही बैठ जाता हूँ। मैं जिस गाड़ी के पास गया वो गाड़ी पहले से ही भरी हुई थी, गाड़ी में बिल्कुल भी बैठने की जगह नहीं थी, तो मैं रुक गया था। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि गाड़ी में जगह फुल होने की वजह से मैं खुद ही नहीं बैठा, मैं अपनी गाड़ी लेकर मौके पर बाद में पहुंच गया था। इस वीडियो को लेकर कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि चुनाव नजदीक है। राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं कि पार्टी को कैसे जोड़ा जाए, लेकिन गुटबाजी की खबरें सामने आने के बाद कांग्रेस की टेंशन लगता है बढ़ने वाली है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राजस्थान की राजनीति में कौन सा नया मोड़ आता है। फिलहाल इस बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए महानगर टाइम्स। आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं हूँ सागर चौधरी, और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना आप बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।